बड़वानी शहर के जम्बू गली में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक द्वारा निकाह किया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंच पुलिस के साथ निकाह रुकवाया। वहीं पुलिस द्वारा युवक युवती को अभिरक्षा में लिए जाने के दौरान युवक की पिटाई भी हो गई। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर FIR दर्ज की। दरअसल जम्बू गली मस्जिद के पास स्थित मकान में लव जिहाद कर हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक द्वारा निकाह किए जाने की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंच युवती और युवक को पुलिस अभिरक्षा में लिया। इस दौरान युवक की लोगों ने पिटाई की। पुलिस ने युवती और युवक से सघन पूछताछ कर युवती के बयान पर युवक को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 376 और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में FIR दर्ज की। इस दौरान विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा घटना स्थल से कोतवाली आकर कोतवाली थाने का घेराव किया। वहीं दुकानों को बंद करवाए जाने और पथराव किए जाने की अफवाह पर SP पुनीत गहलोत ने अपील कर कहा, अफवाह पर ध्यान न दें, शहर में शांति है। यहाँ पर क्या आपका? मेरा नाम अतिशय जोशी है। विश्व हिंदू परिषद का खरगोन बड़वानी विभाग संगठन मंत्री ऐसी जिम्मेदारी है। क्या घटना हुई आज? आज की घटना, एक मुस्लिम समुदाय का युवक है, वो हिंदू बहन से निकाह पढ़ने का, जबरदस्ती निकाह का कोई विषय था। जब हमारे कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली तो वहाँ पर पहुँचे, उनसे बातचीत की। उनसे बातचीत करने के बाद पता चला कि वो बहन का जबरदस्ती विवाह निकाह पढ़ा जा रहा है। तो हमने प्रशासन को उस मुस्लिम को भी सौंपा है और बहन को भी सौंपा है। प्रशासन अपना एक पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक शहर में विषय बना दिया है कि बजरंग दल ने पथराव किया है या बजरंग दल पथराव करा और शहर बंद कराया। तो बजरंग दल की इन दोनों घटनाओं का मैं खंडन करता हूँ कि ना बजरंग दल ने शहर में कहीं पे पथराव किया और ना कहीं पर दुकान बंद कराने का प्रयास किया। कार्यकर्ता जरूर पैदल, जब ज्यादा संख्या में हो गए थे तो वो जा रहे थे थाने पे, तो पैदल गए हैं, तो थोड़ी बहुत नारेबाजी करते हुए गए हैं, पर उसके अलावा कोई भी ऐसा विषय नहीं है। तो बड़वानी शहर की जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि ऐसा कोई विषय बनाए भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर शांति का माहौल है और शांति का माहौल बना रहे इसी का हम भी प्रयास करते हैं। इसीलिए हमने, जब मुस्लिम युवक का हमको पता चला तो सीधे उसको हमने पुलिस प्रशासन को सौंपा है। और प्रशासन से भी हमको ये खबर जानकारी आई है, उसमें है कि प्रशासन ने उस पर 376 लगाई है और धर्मांतरण कराने का भी उस पर आरोप है और केस लगा है। तो ये दोनों विषय थे, इस कारण से आज शहर में ये घटना जो हुई है। ऐसी घटना हम मुसलमानों को बजरंग दल के नाते तो चेतावनी भी देंगे कि किसी भी हिंदू बहन के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि हिंदू बहन आज भोली भाली आपके चासे में फंस के अगर ये कर रही है तो बाद में सूटकेस में मिलती है, हम सब जानते हैं। तो वैसा ना हो। ये देखिए, अभी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वयस्क युवती का फोर्सफुली शादी करवाने का प्रयास किया जा रहा है, और इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और मौके से लड़का और लड़की दोनों को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर उनसे सघन पूछताछ की है, जिसमें लड़की के द्वारा उक्त जो सूचना मिली थी उसकी पुष्टि की गई है। और इस संबंध में लड़के को तत्काल हिरासत में लिया गया है बड़वानी पुलिस के द्वारा, और IPC और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। जी, लड़की के द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें संबंध बनाने की बात भी आई है, जिसके तहत 376 IPC के तहत और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा कार्यवाही की। कहाँ की घटना है? ये बड़वानी में पाला बाजार एरिया की घटना है, और चूंकि ये एक संवेदनशील मामला है तो संपूर्ण पुलिस मुस्तैद है। कुछ खबरें ऐसी आई है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ पक्षों में पथराव हुआ है या फिर फोर्सफुली दुकानें बंद कराने की बात आई, तो उक्त समस्त तथ्य मिथ्या है। बड़वानी पुलिस उनका खंडन करती है। पूरी पुलिस पूर्ण रूप से मुस्तैद है और शहर में शांति व्यवस्था कायम है, और मैं पुलिस अधीक्षक के बतौर अपील भी करता हूँ जनता से कि ऐसे मैसेज पर ध्यान न दें। हमारी साइबर सेल को हमने एक्टिव किया हुआ है, कुछ लोग जिन्होंने इस प्रकार के मैसेज चलाए हैं उन्हें चिन्हित किया गया है और उनके विरुद्ध IT Act के तहत भी हम कार्रवाई करें। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।